हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बना रही हूँ टिंडे की सब्ज़ी। ये बहुत ही डिलीशियस है। मुझे विश्वास है कि आप ये रेसिपी देखते ही बनाएंगे। एक बार आप ये रेसिपी बनाएंगे तो खाने वाले आपकी तारीफ़ ज़रूर करेंगे। चलिए देख लेते हैं इसकी रेसिपी। 5 से 6 मीडियम साइज़ के टिंडे हमें लेने होंगे और इसका छिलका निकाल लेंगे। सभी टिंडों का आप इस तरह से छिलका निकाल कर छोटे टुकड़ों में कट कर लीजिए। टुकड़े आप अपने हिसाब से कट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक टिंडे के 4 टुकड़े किए हैं। आप इसे छोटे साइज़ में भी कट कर सकते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए होगा 2 टमाटर, लहसुन की कलियाँ, अदरक और हरी मिर्च। चलिए आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। टिंडे के सारे पीसेस कट कर लिए हैं। अब इसके बाद टमाटर के छोटे टुकड़े कर लीजिए। लहसुन और अदरक को भी छोटे पीसेस में कट कर लीजिए। ये सब तैयारी करने के बाद चलिए अब आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। इसके लिए फ्लेम ऑन करेंगे और कुकर में 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। आप इसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं। अब 1 पिंच हींग डालेंगे। और लहसुन और अदरक के बारीक कटे हुए टुकड़ों को अब इसमें डाल देंगे। अब इसमें मेथी दाना और जीरा डालेंगे। अब जो टमाटर काट कर रखे थे उसे हम डाल देंगे। मीडियम फ्लेम पर इसे पकने देंगे। 1-2 मिनट टमाटर को पकने देंगे। इसमें साबित हरी और लाल मिर्च मैंने डाल दी है। अब जो टिंडे पीसेस करके रखे थे उसे भी हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब बारी आती है कुछ सूखे मसाले डालने की। तो सबसे पहले इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, हल्दी 1 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, धनिया 2 चम्मच और इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे पकने देंगे। 2 मिनट इसे लो फ्लेम पे पकने दीजिए। और अब इसमें हम पानी डालेंगे। पानी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1.5 कप पानी डाला है। अगर आप चाहें तो इसमें और ज़्यादा पानी भी डाल सकते हैं। इस रेसिपी को आप कुकर की जगह कढ़ाई में भी बना सकते हैं। अब इसके ऊपर मैंने धनिया डाल दिया है। हरे धनिया पत्ती इसमें डाल दीजिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और 1 विसल आने पर फ्लेम ऑफ कर देंगे। दो से तीन मिनट बाद कुकर का ढक्कन खोलेंगे। तैयार है हमारी बहुत ही स्वादिष्ट टिंडे की सब्ज़ी।
आप एक बार बनाएंगे तो सभी तारीफ ज़रूर करेंगे। अगर आपके पास कसूरी मेथी है तो आप वो भी थोड़ा सा इसमें डाल सकते हैं, उससे भी इस सब्ज़ी का टेस्ट और बढ़ जाएगा। ये आसान सी रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें और अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।